एक बड़ी खबर, नई दिल्ली में भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों में 11 शांति और सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि समझौते पर हस्ताक्षर के साथ सरकार ने इतिहास का सम्मान भी किया है, पिछली गलतियों को सुधारा है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए वर्तमान वास्तविकता को स्वीकार किया है। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। और साथ ही अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा के लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं, उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने इस समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। साथ ही विश्वास जताया कि इससे त्रिपुरा और देश का विकास होगा। ये नीड ऑफ द आवर थे, चलिए बहुत जरूरी था। हम लोग चाहते हैं त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबको लेके चलना है, बहुत दिन से ये चल रहा था। खुद भी महाराजा जी अभी कह रहे थे कि कैसे कैसे ये 75 ईयर्स आप लोग बोल रहे थे, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं सब एक साथ जाति जनजाति दोनों मिल के त्रिपुरा को आगे बढ़ाए, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छे लीडर है। हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री जी है, मनोज भाई जी, मुशाल जी,